वाओ वरुण, यू आर टू गुड. तुम्हारा म्यूजिक मुझे आज भी तुम्हारी ओर खींच लाता है. यू आर इनक्रेडिबल. सब तुम्हारे लिए. For my magical performer. Thank you, my lady. I have a complaint. Complaint? Oh yes, I'm so sorry. अगले हफ्ते से मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा. I'm sorry, I promise. नहीं, तुम प्रोफेशनली क्यों नहीं प्ले करते हो? मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया इसे सुने और महसूस कर सके. कृष्णा ने इतना अच्छा तुम्हें टैलेंट दिया और तुम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो. वेस्ट? मेघा, जब तुम अपना सारा काम छोड़कर मेरी ओर खींची चली आती हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन, और ऐसी फीलिंग सिर्फ तुम मुझे दे सकती हो. So you have exclusive rights on my music. Oh Varun, you're making me blush. शादी के इतने साल बाद भी. मैंने तो वायलिन सीखा ही था तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए. एक फेमस डांसर ने मुझ गरीब को दिल दे दिया. I had to do something to keep up, yeah. Let's revive those old college days. You'll play violin, I'll dance. Okay, let's go. Yes. मेघा, 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 मेघा. मेघा, वापस आ जाओ मेघा, वापस आ जाओ मेघा, प्लीज. ये सब क्या हो गया मेघा? प्लीज वापस आ जाओ मेघा, प्लीज मेघा. क्यों क्यों क्यों? कोई कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो. लगता है कोई जवाब नहीं मिलने वाला. मुझे ही देना होगा जवाब. क्या हुआ भैया, किसको ढूंढ रहे हो? पता नहीं किसी ने बेल बजाई, पर जब मैं यहाँ आया तो कोई भी नहीं था. अरे भैया, बच्चे होंगे. हमारे यहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही शैतानी करके भाग जाते हैं. आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ. या कोई बच्चा ही होगा। ये देखो दरवाजे पर ये ड्राइंग मिली। जीवन जैसे एक नाव है जिसका नाम बदलाव है। राही ने है राह चुनी, पर प्रवाह का अपना चुनाव है। लहरों के संग चलना है, कई आंधी कई तूफानों से गुजरना है। हर नाव का वो एक ही सवार जो जानता है हर सवारी की कगार। सैलाब से वो बचाएगा, आखिर नाव मंजिल तक वही लाएगा। भैया, वरुण भैया। हाँ? इस रूम की चाबी मिली क्या? वो दिवाली आ रही है ना, तो मैं रूम साफ कर देती हूँ। नहीं, वो रूम साफ नहीं करना। जब खुलेगा तब वहां सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हेलो। हेलो, am I speaking to Mr. Varun Sharma? I'm calling from Lifeline Hospital. Yes, ma'am. मेगा ठीक तो है ना? I'm really sorry, sir. I called to inform you that we could not save Mrs. Mega. अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से उनके लंग्स काफी वीक थे और कोविड से कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ गए. डॉक्टर ट्राइड एवरीथिंग, बट वी लॉस्ट हर. कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन, ओनली वन फैमिली मेंबर कैन कम एंड डू द पेपर वर्क. आप पर मेघा को पूरा भरोसा था, पर आप तो उसी को मुझसे दूर ले गए. क्यों? पता नहीं, बच्चे होंगे, दिख नहीं रहे पर यही कहीं होंगे. क्या मुसीबत है ये, सुबह सुबह परेशान कर रहे बच्चे. देखो छाए मेघ गगन में, आशा बंधी है पवन में. फूल बगीचे तरस गए थे, कड़कती धूप में झुलस रहे थे. बादलों को हुआ एहसास, बरसे बुझाने धरती की प्यास. जब खुशियों की नमी आई इस ओर, तब उम्मीद की घटाएं छाई कहीं और. कुदरत का फिर बुलावा आया, मेघ चले छोड़ अपना साया. संताप सहो, निष्ठा से करो आवाहन, जल्द नए बादल लाएंगे सावन. भैया, इस डब्बे में से चाबी मिली, लगता है वो बंद रूम की है। मैं रूम खोलकर साफ कर लूं क्या? नहीं बोलो ना। वो कमरा तभी खुलेगा जब मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा या फिर तब जब मैं जवाब दूंगा। No, मेघा, I can't forget you. सब तुम्हें भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? मैं यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान कर रहा हूँ और तुम परफॉर्मेंस के लिए जा रही हो, शायद ये भी भूल गई हो। हाँ हाँ मुझे पता है, सबसे पहले तुम ही मेरे बर्थडे पे मुझे विश करते हो, तभी क्लास छोड़कर आ गई। और अगर कभी नहीं आ पाई तो इतने नाराज हो जाओगे क्या? हाँ पर तुमसे नहीं, अपने आप से। हर खुशी में जब तक तुम नहीं होती ना तो अधूरा लगता है। But life changes, Varun. There could be some days when I'm not around. You have to be happy. Find a purpose in life. तुम्हें पता है कथक में हम डांस किया करते थे, जहाँ पे कृष्णा द्वारका में, राधा नंदी शोधा सारे दोस्तों से दूर है। पता उनके याद में वो मायूस भी हो जाया करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा राजा होने की जिम्मेदारियां निभाई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होगा, तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और अब मैं कभी आसपास नहीं होती तो तुम्हें खुश रहना है, कृष्णा को याद करना है, थिंक ऑफ कृष्ण भगवान, खुश हो जाओ। Sorry, I'll try, but I can't promise. But right now, let's forget all this and celebrate your birthday, okay? Come on, चल, come. मेघा, I tried. मैं जवाब ढूंढना चाहता था पर जवाब देने वाले ने तो तुम्हें ही मुझसे छीन लिया। अब लगता है मुझे ही जवाब देना होगा। सॉरी अंकल, मैं बस अपनी ड्राइंग ही देने आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। कहाँ रहती? अंकल 603। ये ड्राइंग के पीछे कविता कौन लिखता है? मेरे पापा एक पोएट हैं, उन्हें बात प्लीज मत बताना, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अब मैं बैल वापस कभी नहीं बजाऊंगी, सॉरी। खुशी, खुशी, खुशी बेटा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मैं बस ड्राइंग देने आई थी। अच्छा, हाय, आई एम अर्जुन फ्रॉम 603। हम लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए और खुशी हमारे पुराने नेबर्स को बहुत मिस कर रही है, सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। I'm sorry. No. Please come. नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। I insist. अब please. ठीक है, चलो बेटा। Please. आप ठीक तो है ना? आपके पत्नी के बारे में सुना। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। जिस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए वो कैसा होगा? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। मेघा तो एक बार में ही चली गई, मैं हर दिन मर रहा हूं। ये सबको हमदर्दी जताना आता है पर मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं जानता हूं। क्या खुशी अंदर जाके बैठ सकती है? हाँ। बेटा आप अंदर जाके खेलो, मैं अंकल से बात करके आपको बुलाता हूं। देखो वरुण, आई टोल्ड यू आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता खुशी मेरे कविताओं पर ड्राइंग लिख के आपके पास ला रही। बड़े अच्छे कवि हो आप, हर दर्द पर कविता लिखते हैं, पर आपकी कविताओं ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया। मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा, लेकिन इन कविताओं ने मैंने जिंदगी को समझा। इनमें उम्मीद है, उलझन नहीं, और दर्द तो सभी के जीवन में है। यही तो है कर्म का चक्र। कौन से कर्म? मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मेरे जीवन में कठिन समय आया। क्यों, क्या हुआ आपके साथ? जॉब चली गई, कमर का दर्द परेशान कर रहा है, बीवी से अनबन है या बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही? मेरी पत्नी का भी कुछ साल पहले निधन हो गया, इसलिए मैं आपका दुख समझ सकता, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, सब कुछ। आई एम सॉरी, पर आपके पास आपकी बच्ची तो है, जीने की कोई वजह तो है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वरुण, मेरे पास वजह ही नहीं, जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, इस जीवन। अगर खुशी ना भी होती तो मुझे ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती। हमारे जीवन का ध्येय केवल भौतिक कर्तव्य नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये सब वो पीड़ा है जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ये सब पीड़ा समझते हैं और जो माया से मुक्त मेरे भक्ति में लीन है, वही ज्ञानी है। और पीड़ा, पीड़ा तो जीवन की वो दवाई है जो कड़वी है मगर जरूरी है। पर ऐसे भी क्या पीड़ा है? ये कौन सा कर्म? मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा कि मुझसे वो छिन गया जो मेरे लिए सब कुछ था? और मेघा, मेघा को कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। जाने से पहले वो मुझसे कुछ कह भी नहीं पाए, उस पर क्या गुजर रही होगी, उससे तो उसकी लाइफ छिन गई। ये कौन सा कर्म? देखो वरुण, लाइफ डजंट ऑलवेज सीम फेयर, बट देयर इज लॉ बियॉन्ड व्हाट वी सी। हर सोल का सफर एक असीम रेखा के जैसा होता है, और हमारी एक लाइफ उस रेखा का केवल एक बिंदु, यानी कि एक डॉट। और हम क्या करते हैं? हमारा पूरा ध्यान उस बिंदु पर लगा देते हैं। मगर सच्चाई यह है कि पिछले कई लाइफ से कर्मों का लगेज लेकर हम इस एक लाइफ में आते हैं। और कर्म एक घड़े के जैसे, एक घड़ा है बहुत बड़ा है, एक घड़ा है बहुत बड़ा है, घड़े के नीचे है एक छेद, जो अंदर जाए वही बाहर आए, घड़ा न करता कोई भी। दिस इज द रियलिटी ऑफ कर्म। वरुण, हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, हाँ, पर आने वाला फ्यूचर तय कर सकते। अच्छे कर्म करके हमें बस इस घड़े में अच्छी चीजें डालनी है, ताकि फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्रकृति के इस नियम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना कोई राजा, ना कोई योगी, ना कोई अर्जुन, ना वरुण। हमें बस अपने बोए हुए फल खाने हैं। ना मैं तुम्हारा सुख दुख ले सकता हूँ और ना तुम मेरा। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर मैं कैसे इस सच्चाई का सामना करूं? मुझ में ना हिम्मत है ना चाह, मैं टूट गया हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं। तो कैसी जिम्मेदारी और कौन सा कर्म? वरुण, जिम्मेदारी लोगों की नहीं, अपने आप की है, अपने सोल की। हम बाहरी दुख में इतने खो जाते हैं कि भगवान की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते। व्यक्ति को एक बार भगवान की अनुभूति हो जाए ना, तो उसे सारे दुख झेलने की ताकत अपने आप मिल जाती है। हमें इस पर्पस को ढूंढना है, सही ध्येय को ढूंढना है वरुण, और फिर देखो तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें वापस मिल जाएंगी। मेघा भी वही चाहती थी। आपकी बातें बड़ी है और मैं बहुत छोटा। मैं मानता हूं भगवान है, पर वो मेरे साथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है वरुण, भगवान सबके साथ है। तुम अगर सच्चे मन से आह्वान करो तो तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। अब यही देखो ना, इस संजोग में भी तो भगवान का ही हाथ है, ना खुशी यहां आती, ना उसके पीछे मैं आता, और ना हमारी ये बातें होती। बट वरुण, नॉट एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम विद ग्रेस इज आल्सो बीइंग अनग्रेटफुल, बिकॉज़ वी नेवर कंप्लेन इन अ गुड टाइम्स। हमने कभी अच्छे समय पर कृष्णा को बोला है, कृष्णा बहुत हो गया अच्छा समय, अब हमें बुरा दे दो? नहीं ना। देन व्हाई डू वी क्राई इन डिफिकल्ट टाइम्स? अच्छा गुजरा, बुरा भी गुजर जाएगा। वरुण, वरुण, हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं आज जवाब देने वाला था, पर लगता है मुझे ही जवाब मिल गए। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, उस भगवान को कहो जिसने ये संजोग रचा। अच्छा तो अब मैं चलता हूं, खुशी को म्यूजिक क्लास ले जाना। खुशी बेटा, खुशी, वो कमरा तभी खुलेगा जब मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर तब जब मैं जवाब दूं। Uncle, I'm really sorry. I'm sorry, beta. किसी भी परिस्थिति में ये जवाब ठीक नहीं होता। पांडवों ने किया सौदा गलत, द्रौपदी की हुई स्थिति पलट। जब नहीं किसी ने की सहाय, कृष्ण ने अपनी करुणा बहाई। कौरवों ने रचे लश्कर बड़े, पर अर्जुन के संग कृष्ण खड़े। हर जीवन है महाभारत जैसा, हर संकट लगे उत्तरा जैसा। वार में ना कुछ उपयोग, दिखे नहीं कोई सहयोग। सच्चे मन की सुने वो दुहाई, कवच बन कृष्ण करे सहाय।